लुधियाना के थाना सराहा नगर के अधीन पड़ते इलाका भाई रणधीर सिंह नगर के सी ब्लॉक में आनंद परिवार रहता है। परिवार में चरणजीत कौर उम्र करीब 72 वर्ष, श्याम सिंह आनंद उम्र 75 वर्ष, बेटा जतिंदर सिंह आनंद उम्र 45 वर्ष रहते हैं। परिवार में लोग अच्छे से गुजारा किया करते थे, जिसके चलते कुछ दिनों के बाद आपस में इन लोगों में विवाद होने लगा, जिस कारण श्याम सिंह आनंद काफी समय से परेशान थे। परिवार में माँ बेटे श्याम सिंह आनंद से माँ बेटे की नहीं बनती थी। देर रात माँ व बेटे ने आपस में प्लान बनाकर दोनों ने श्याम सिंह आनंद का बेरहमी से कत्ल कर दिया। सूचना मिलते ही थाना सराहा नगर की पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतक श्याम सिंह आनंद की लाश को कब्जे में लेकर मौके पर ही माँ चरणजीत कौर और बेटे जतिंदर सिंह आनंद को तुरंत गिरफ्तार कर पूछताछ करना आरम्भ कर दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना भी प्रारंभ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज इंडिया। की क्या की जिहड़ा पूरा मामला सी जां तुसीं की दे विच जिहड़ा अज मर्डर होया है, इह वी पता लग्गिया कि बेटे ने अपनी मां दे नाल मिल के जिहड़ा है जां अपने पिता दा जिहड़ा कत्ल कीता। सानूं वी जिहड़ी थाणे सराबा नगर एक टेलीफोन दे राहीं एक साडे एसआई नूं कॉल आई है, उहदे आके जिहड़ा इहनां दा कज़न ब्रदर आ उहनें आके थाणे दस्सिया सी कि साढ़े जिहड़ा हैगा ब्रदर उहदा मतलब कि बेटे की कॉल आई है भी उन्हें अपने फादर का मर्डर करता, तो जिस ते मतलब जिहड़ी पुलिस आ अपना मौके पर आए सारे, तो उन्होंने अंदर जिहड़ा हैगा एडमिट किया भी साढ़े नाल इहदी रात लड़ाई हुई सी आपदी मदर नूं। की नाम है जी तुहाडा? सतवंत सिंह है, मैं श्याम सिंह का छोटा ब्रदर है। की होया सी पूरा इह इहने अपने जिन्हें मर्डर किया इन्हें अपने रिश्तेदार नूं रोपड़ टैलीफोन करता कि मैं श्याम सिंह का कहते मैं कम करता, तो सानू उन्होंने फिर अगे इनफोरमेशन सानू दी भी पता करो जी, तो असी अज जब पता किया पुलिस नू भेजे, पुलिस ने पुलिस को भेजे क्योंकि जिंदे लाए सी इन्हें कुंडे ला ला के बैठे से अंदर ये, तो असी पुलिस नू बुला के लिया, तो पुलिस ने आके दरवाजे तोड़े तो जब अंदर देखा तो अंदर वह मर्डर किया इन्होंने, ये तो पता लगे है कोल ही बैठे रहे सारी ना किसी नहीं बस सवाई इसके इन्हें उत्थे इनफॉर्म करता कि शाम सिंह।